नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती अब चीन के गले से नहीं उतर रही। जब मोदी का भारत और सुपर पावर अमेरिका नजदीक आ रहे हैं तो इससे चीन बौखला रहा है। और अब जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत आए हैं और यहां भारत के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो ये बात चीन को इतनी नागवार गुजर गई कि पोम्पियो की इस यात्रा को एशिया में कलह बोने वाला करार दे दिया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने पोम्पियो की भारत यात्रा पर कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री के हमले और उनके चीन के खिलाफ आरोप कोई नई बात नहीं है। चीन पर लगाए गए आरोपों को वांग वेनबिन ने आधारहीन करार दिया है। कहा है कि ये दर्शाते हैं कि अमेरिका अभी भी शीत युद्ध की मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रहों से जूझ रहा है। गुस्ताख चीन खुद को शांति प्रिय दिखाते हुए कह रहा है कि हम पोम्पियो से शीत युद्ध और जीरो गेम मेंटेलिटी को त्यागने और चीन सहित क्षेत्रीय देशों के बीच शांति और स्थिरता को कायम रखने का आग्रह करते हैं। हम साथ में यह भी अपील करते हैं कि वो क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने में मदद करें। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत के साथ 2+2 डायलॉग के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुश्मन चीन पर हमला बोला था। कहा था, आज हम वॉर मेमोरियल गए थे, हमने उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान दी। पोम्पियो ने 15 जून को गलवान में भारतीय जवानों के साथ हुई हिंसा पर कहा कि वॉर मेमोरियल में जिन वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी उनमें वो 20 जवान भी शामिल हैं जिन्हें गलवान में चीन ने मारा था। भारत अपनी अखंडता के लिए खतरों से लड़ रहा है और हम भारत के साथ खड़े हैं। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब पोम्पियो इस तरह से चीन पर हमलावर हुए हो। पोम्पियो बहुत पहले से ही चीन को झटके पर झटके दे रहे हैं। पोम्पियो ने ही चीन को पश्चिमी देशों के लिए खतरा करार दिया था। कहा था कि कुछ मायनों में शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा किए गए मुकाबलों से भी बदतर है। अब जो हो रहा है वो शीत युद्ध 2.0 नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की धमकी का विरोध करने की चुनौती कुछ मायनों में बहुत खतरनाक है। सीसीपी पहले ही हमारी अर्थव्यवस्थाओं में, हमारी राजनीति में, सोवियत संघ के तरीकों में, हमारे समाजों में पहले से लागू है। आपको बता दें, पोम्पियो के भारत में रहते दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिससे अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी उपग्रह के गोपनीय डेटा और दोनों देशों के बीच अहम सूचना साझा करने की अनुमति होगी। 2+2 वार्ता में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच पहले से कायम करीबी संबंधों को आगे और घनिष्ठ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी हितों के व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। अब जब नजदीकियां इतनी ज्यादा दिखाई दे रही हैं तो इससे चीन का बौखला जाना तो लाजमी ही है। तभी बौखलाहट में आकर चीन पोम्पियो के भारत आगमन को एशिया में कलह करने वाला बता रहा है। लेकिन चीन को अब तक तो ये जान लेना चाहिए कि अब चीन चाहे कितना ही छटपटा ले, भारत और अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों को अब कोई नहीं छुटला सकता। अमेरिका और भारत की दोस्ती के आगे चीन को शायद अब अपने लिए डर सताने लगा है, क्योंकि इन दोनों का साथ सिर्फ इन दोनों का साथ नहीं है बल्कि चीन का पड़ोसी ताइवान भी पूरी तरह से इन दोनों देशों के साथ है, जिसे चीन अपनी बड़ी नाकामी के तौर पर देख रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका चीन की इस बौखलाहट पर क्या कुछ कहना है। हालांकि चीन का ये रिएक्शन नया नहीं है बल्कि भारत और अमेरिका की नजदीकियों से तो चीन शुरू से ही तिलमिलाया हुआ है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।